हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे थोड़ी देर टहलना कैसा रहेगा, थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा, थोड़ी देर बैठना कैसा रहेगा। तो ऐसे वाक हमें अपनी डेली लाइफ में सुनने को मिलता है। तो चले देखते हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा, और फॉर ए वाइल मीन्स थोड़ी देर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग हाउ अबाउट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो फिर फॉर ए वाइल लिखेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा, थोड़ी देर आराम करना कैसा रहेगा। How about taking rest for a while? How about taking rest for a while? अगला वाक्य देखिए, थोड़ी देर टहलना कैसा रहेगा, थोड़ी देर टहलना कैसा रहेगा। How about walking for a while? How about walking for a while? अगला वाक्य देखिए, थोड़ी देर खेलना कैसा रहेगा, थोड़ी देर खेलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लेइंग फॉर ए वाइल, हाउ अबाउट प्लेइंग फॉर ए वाइल। अगला वाक्य देखिए, थोड़ी देर टीवी देखना कैसा रहेगा, थोड़ी देर टीवी देखना कैसा रहेगा। How about watching TV for a while? How about watching TV for a while? अगला वाक्य देखिए, थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा, थोड़ी देर नाचना कैसा रहेगा। How about dancing for a while? How about dancing for a while? गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।